नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का स्वागत है। रात के 2 बज रहे होंगे करीबन अभी, और हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से भोपाल के लिए, आधे रास्ते पहुंच भी गए हैं। ये आंदोलन जो हो रहा है आप सबके लिए हो रहा है, उसमें सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ आकाश पाठक जी हैं, जो लगातार PSC के छात्रों के लिए, समस्त छात्रों के लिए मेहनत करते आ रहे हैं। 2019 के लिए इन्होंने जो मेहनत की है, चाहे वो हाईकोर्ट जाना हो, चाहे प्रोटेस्ट करना हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। और ऐसे लोग जो हैं, आप बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप लोगों से भी समर्थन की हम उम्मीद करते हैं ये मिले। और हम लोग भोपाल के लिए निकल चुके हैं। सुबह जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो भोपाल में हैं वो मिलें, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। आकाश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आकाश भाई से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल है इनको इन आंदोलनों की। मैं तो उतना नहीं रहा इन आंदोलनों में। और उसके बाद आकाश भाई बहुत समय से इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो आकाश भाई, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को जो ऑल एग्ज़ाम प्लेस से जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और मोहित सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस समय उन मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, जो विद्यार्थी 5 वर्ष से संघर्षरत हैं, इसलिए कि मध्य प्रदेश में रोजगार निकले, भर्ती निकले, और वो परीक्षाओं को क्लियर करके उस मुकाम पे पहुँचे जो सपना उन्होंने वर्षों से देख रखा है। और NEU के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह जो 21 सितंबर से निरंतर चल रहा है, और 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से निरंतर पदयात्रा जो चल रही थी, वो पदयात्रा अब भोपाल पहुँच गई है। और भोपाल में कल 9 अक्टूबर यानी आज, क्योंकि हम रात को 2 बजे आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और आज 9 अक्टूबर को भोपाल में मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगारों का मेला है। और ये मेला इसलिए है कि जो सरकार सोई हुई है, उस सरकार को जगाने का एक प्रयास है। और हम लोग सब पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से गांधीवादी सिद्धांतों पर चलकर अपनी मांग कर रहे हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांग कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के इस वीडियो को देख रहे हैं, आसपास के जिलों में हों, भोपाल के, आप सभी लोग आइए, क्योंकि ये आपके संबंध में ही होने वाला आंदोलन है। मोहित सर का इंस्टीट्यूट है, उनका जीवन चल रहा है, और जो लोग हैं कोचिंग वाले, उनका जीवन चल रहा है, लेकिन आपका जीवन कैसे चलेगा, ये बड़ा ही चिंतनीय विषय है। तो हम लोग सब जो आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि आपके साथ न्याय हो सके और आपको वो अधिकार मिल सके जिसके आप पात्र हैं। तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि NEU टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही है, और मध्य प्रदेश में पहली बार है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई गैर राजनीतिक ऐसा संगठन जो विद्यार्थियों की आवाज़ बना है और वो मांग कर रहा है जो विद्यार्थियों को आज वर्तमान में आवश्यकता है। तो सभी लोग आएं और सभी लोग जुड़ें। किसी ने कहा है कि जो ज़िंदगी है वो खुद के कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। और भगत सिंह जी कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ आगाज जिसका, थोड़ा सा वो मैं लाइन भूल रहा हूँ, कोई इशू। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें इसमें, और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं, हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में रुकी हुई भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द आएँ। और इस प्रयास के चलते ही जो ये NEU के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, और बहुत शानदार आंदोलन हो रहा है, मैंने इसके बहुत सारी बार आपको वीडियो बना के बताया, अवगत कराया इस आंदोलन से, जिसका कल अंतिम चरण है जो कि भोपाल में है। दोस्तों, यही है, अगर यहाँ पे आपने अच्छे से प्रदर्शन कर लिया, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर लिया, और सरकार के कानों में अपनी आवाज़ जो है पहुँचा दी, तो मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी जो है वो भर्तियों की बाढ़ आएगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ व्यापम में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ भर्तियाँ आ रही हैं। तो ऐसे ही जो समस्त अटकी हुई भर्तियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में विगत इतने वर्षों से नहीं आई हैं, वो भी आएंगी। इस आंदोलन में सभी के लिए हम काम कर रहे हैं, सभी भर्तियों के लिए काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम PSC बस के लिए काम कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स हम इसमें कवर कर रहे हैं, सबके लिए। तो सबका आंदोलन है ये, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, किसी एक छात्र का या किसी एक परीक्षा के लिए आंदोलन नहीं है, मध्य प्रदेश की समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए आंदोलन है। तो दोस्तों, आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा, और
अपने साथियों से भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें कल भोपाल पहुंचना है, या आज भोपाल पहुंचना है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोपाल पहुंचे और इस आंदोलन का समर्थन करें, यही आप लोगों से हम लोगों की गुजारिश थी। बाकी आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में भोपाल में, अभी तो हम लोग निकल रहे हैं, रस्ते में हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों को बोल दीजिएगा कि कल भोपाल पहुँचें, जो भोपाल में है वो, जो नहीं है आसपास के जिलों में वो भी पहुँचने की कोशिश करें। इंदौर से काफ़ी हमारे साथ छात्र आए हुए हैं, वो भी भोपाल पहुँचना है हमारे साथ भी। तो दोस्तों कल मिलते हैं भोपाल में, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आकाश भाई के लिए एकदम मैं धन्यवाद करूँगा। मुझे वो चार लाइनें याद आती हैं बिल्कुल जो भगत सिंह जी ने कही थी जी। और हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं भगत सिंह जी, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। तो उन्होंने कहा है कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, और मेरे लहू का हरेक कतरा इंकलाब लाएगा। जय हिंद। बहुत शानदार कहा आकाश सर ने, और यही हमें करना है दोस्तों कल के इस आंदोलन में, ताकि सरकार जो है वो जागे और जो भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं वो निरंतर रूप से जारी हो और सुचारू रूप से चलें, बिना भ्रष्टाचार के चलें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।